नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है सलूशन। दोस्तों, आजकल जहाँ पर देखो वहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम के अनेकों सलूशंस भी हैं। लेकिन कौन सा सलूशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और कारगर है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी के लिए हमारा ये शो सलूशन। दर्शकों, हमारे शो में दी एक्सीडिंगली पॉपुलर निर्मला सेवानी जी करेंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, श्रावण मास चल रहे हैं और पूरा देश शिव शक्ति की आराधना में लीन है, तो आज भी निर्मला जी से जानेंगे शिव और शक्ति की आराधना के बारे में। दर्शकों, आप भी निर्मला जी से जान सकते हैं शिव और शक्ति की आराधना के बारे में। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन्स पर आप सभी के लिए फ्लैश कर रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सलूशन देने के लिए निर्मला जी हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से हमें कॉल कीजिए। निर्मला जी, कल भी हमने इस शिव शक्ति आराधना के बारे में बात की थी और आपने कहा था कि इस श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा होती है, तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है कि शिवलिंग की स्थापना घर में नहीं की जाती है, ऐसा देखा नहीं जाता ज़्यादातर? ये तो मिथ फैला रखा है जी। शिवलिंग की पूजा घर में कर सकते हैं, शायद इस करके कि उसका नियम शायद इतना नहीं बंधेगा मंदिर में, इसलिए वो स्प्रेड आउट कर दिया है। पर शिवलिंग हर घर में, छोटा शिवलिंग तो होता ही, आराधना तो करते ही, पंचाभिषेक भी करते हैं और उनका प्रक्षालन भी करते हैं, और उनकी आराधना के लिए तो फिर माला के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, इनफैक्ट मेडिटेशन जो होता है, आध्यात्मिक महत्व है शिवलिंग का कि हम शिव से निकल के शिव में जाते हैं, तो उसके लिए तो छोटा शिवलिंग ज़रूर होना चाहिए घर पर, उससे कॉन्सेंट्रेशन बनता है। मेडिटेशन की एक प्रक्रिया है ये कि आप शिवलिंग पे जब ध्यान करते हैं तो आपके ज्ञान तंतु जल्दी जागृत होते हैं। इनफैक्ट छोटा शिवलिंग होना चाहिए हर घर में जी, और उसी के छोटे शिवलिंग की पूजा हम कर सकते हैं आराम से। देखिए, भाव है, किसी को श्रृंगार रस पसंद है तो अपने ठाकुर जी की सेवा करते ही हैं, और किसी को कर्मयोग पसंद है तो वो हर प्राणी में भगवान देखता है, और किसी को एकदम रोशनी ही पसंद है विशुद्ध, तो जाए कन्याकुमारी, करे मेडिटेशन। तो हर एक का अपना रूप है, ये तो भाव है, जिस भाव से हम लोग सहज सरल है तो श्रृंगार आराधना, इनफैक्ट श्रावण में तो शिव जी की श्रृंगार आराधना के बहुत बहुत महत्व है, और उससे वो कहा जाता है कि आप जब किसी को सजाते तो सुंदर लगता है, तो आपके भाव जल्दी जागृत होते हैं और फिर जल्दी प्रसन्न होते हैं प्रभु जी। निर्मला, जैसे शिवलिंग में रंग भी देखे जाते हैं, काले रंग के भी शिवलिंग होते हैं और सफ़ेद रंग में भी मिलते हैं, तो क्या इन दोनों के अलग अलग मायने हैं? हाँ, शिवलिंग की पूजा जब सफ़ेद होती है तो वो धनदायी पदार्थ से रिलेटेड है, क्योंकि सुबह रोशनी से प्रतीक है ना, तो जब आपको पदार्थ चाहिए शिवलिंग से तो सफ़ेद शिवलिंग का कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान करना चाहिए। तन से रिलेटेड जो हमको चाहिए, अन्न धन नौकर पराक्रम वाहन ऐश्वर्य कीर्ति वैभव आरोग्य, तो सफ़ेद शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। और जब हमको ज्ञान विवेक मेघा चिंतन मनन और अपनी आत्म उत्थान के लिए आराधना करनी है तो फिर वो काला रात्रि रूप में प्रभु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि काले में सब चीज़ें समेट जाती हैं, तो इंटेलेक्ट जागृत होती है, ये अर्थ होता है काले और सफ़ेद शिवलिंग का जी। जैसा कि हम कह रहे हैं कि शिव आराधना होती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि बेलपत्र और गंगा जल का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। निर्मला जी, क्या मायने हैं बेलपत्र के और गंगा जल चढ़ाना क्यों ज़रूरी है? गंगा जल तो इसलिए कि कहा जाता है कि गंगा अवतरित इस मास में हुई थी शिव जी की जटाओं से, इसलिए श्रावण मास में बरसात होता है सृष्टि में, ऐसे ये एक कही गई बात है, तो इसलिए जल का महत्व है। और जल देखिए जीवन होता है, इसलिए उसको उस रूप में ले लिया होगा स्पिरिचुअली। और बेलपत्र इसलिए कि हिमालय की तराइयों में ना, और बेलपत्र ऐसा है कि हर कहीं लग जाता है, बर्फानी चीज जगह पे भी और उधर भी, तो हर जगह सहज उगने वाले जो पौधे होते हैं उनसे शिव आराधना की जाती है। और शिव को कोई बहुत हिमालय पे रहते थे और कम सुख के साधन वो इस्तेमाल किया करते थे, अघोरी होते थे, तो वो चीज़ें जो जंगली होती हैं उनको वो बहुत पसंद है, जैसे धतूरा, बेलपत्र, आँख मदार का पुष्प, तो उससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और वो हर कहीं सहज और सुलभ है। और शिव जी भी हर कहीं व्याप्त हैं, भोले हैं, तो जरा सी भी आराधना करिए खुश होके देते हैं, इसलिए ये जिससे कि हर कोई उनकी आराधना कर सके, इसलिए भी बेलपत्र जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो। और हेल्थ की भी उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है बेलपत्र की बहुत, क्योंकि वो आपकी पैनक्रियाज को ठीक रखते हैं बेल फल ना जी जी, इससे भी उसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। जो पौधे या आँख या धतूरा है वो भी किसी घाव पे आप लगाते हैं
तो उसके अपने मायने हैं, इसलिए वो उसकी आराधना की जाती है कि वो जागृत रहे। वनस्पति की हम हिंदुस्तानी लोग शुरू से आराधना करते हैं क्योंकि वो जीवनदायी है, पोषण कारक है। आग धतूरा की आपने बात की थी, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले निर्मला जी कॉलर लेंगे हम। अजमेर से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र जी सवाल पूछना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। पूछिए धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी सवाल पूछिए। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है उनको। निर्मला जैसा कि आप आग धतूरे के बारे में बात करें, हम जानना चाहेंगे शिव जी को क्यों इतना पसंद है ये आग धतूरा। क्योंकि वो मतलब उनका भोजन ही वो होता था, हिमालय रहते थे तो जो सहज हो, तो जहर पीने वाले हैं हलाहल, तो हर कड़वी चीज, तिक्त चीज उनको पसंद है, वो ही खाते हैं, उनको वही पसंद है, इसलिए। और तो क्या, नीला है कंठ जिसका। हाँ, नीला है कंठ जिसका, जो जहर पी लेते हैं पर आप बदले में आपको अमृत देते हैं, ऐसे शिव कहलाते हैं जी। निर्मला जी, जैसे कि हम पहले कह रहे थे कि गंगा जल और फिर उसमें कांवड़ का भी होता है, तो क्या मायने हैं कांवड़ियों के भी? कांवड़ियों के तो ये मायने हैं कि देखिए, अपने नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी है ना, उसको पवित्र गंगा समान बनाने के लिए बेचारे कांवड़ी अपने श्रद्धा से उस जाते हैं, हरिद्वार गंगा लाते हैं, जहाँ भी गंगा जो पास में है, और उसके जल को अपने गांव में लेके आते हैं ताकि वो उस तरीके से शुद्ध शुभ हो और हमारे लिए अमृतमय हो, उसके ये अर्थ है। और तब इससे तपस्वी बनता है इंसान, फोकस बनता है। ये जो धर्म के नियम होते हैं उसके महत्व ये होता है कि धारण करने योग्य ऐसे इथिक्स जो आपको परिष्कृत करते हैं, शोधन करते हैं, आपका सुंदर बनाते हैं आपको जी। अगर जैसे निर्मला जी, गंगा जल अगर हम नहीं चढ़ा पा रहे हैं या नहीं कांवड़ वगैरह स्थापित कर पा रहे हैं, तो क्या उसके अलावा भी हम अगर सादा पानी डालें तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, जो भाव है आप वो करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, बस ये है कि आपकी नियत और आत्मा शुभ हो और आप फोकस हो जी। निर्मला जी आगे बढ़ेंगे, कॉलर लेंगे यहाँ पर। राजसमंद से हमारे साथ भगवती लाल जी हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए सवाल अपना भगवती लाल जी, स्वागत है। हाँ जी जी, पूछे। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए भगवती लाल जी। मैडम, अभी कर्ज से बहुत परेशान आ रहा हूँ मैं, कर्ज से मुक्त कब होऊंगा? कर्ज से मुक्त हो जाएंगे 4 साल में, 2019 में भगवती लाल जी। जी भगवती लाल जी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप जी? स्कॉलर को हम यहीं तक लिमिट करेंगे निर्मला, जैसे कि हम अगर हम आकार की बात करें, हर भगवान को हम एक आकार जरूर देते हैं, लेकिन शिव भगवान का आकार सबसे अलग है, उन्हें श्रृंगार पसंद नहीं है। हम सब में देखते हैं कि ज्वेलरी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन शिव भगवान बहुत सिंपल रहते हैं, तो किस तरह से उनका श्रृंगार है, उनका किस तरह का होता है, क्या वो तो जैसे आपके भाव है। देखिए, जब भी आप आकार रूप में आराधना कर रहे हैं तो ये आपका अपना भाव है, भगवान जी ने नहीं कहा आपको कि हमको किस तरीके से सजाइए, तो आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से। क्योंकि शिव जी हिमालय रहते थे और सिंपल थे, गहने प्रिय नहीं थे, सर्पमाला गले में रखते थे, तो उनको सिंपल सिंपल ढंग से रुद्राक्ष की माला पहना दी जाती है और सीधे ढंग से रखा जाता है ना। निर्मला जी, कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे पास, बीकानेर से नवरत्न लाल जी हैं हमारे दर्शक, ने आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए नवरत्न जी। मैडम, बच्चे के बारे में पूछ रहे थे, उसके आँख की प्रॉब्लम है, कब तक सही हो पाएगी? बच्ची के आँख की प्रॉब्लम है, कब तक? डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख बताइए। 1 दिसंबर 2013 सुबह का जन्म है, 2:55। उसकी सर्जरी होंगे हुक्म आँख की, 2-13 साल में ठीक हो पाएगी वो अच्छे से। एक सर्जरी तो उसकी मुझे लगता है 26-27 महीने में हो जाएगी, मतलब होने चाहिए थोड़े से 6 महीना में, और एक उसकी 13वें बरस में, तो फिर ठीक हो जाएगी, उसको डिफेक्ट नहीं रहेगा आँख का जी। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? इस कॉल को यहीं तक लिमिट करेंगे निर्मला जी। निर्मला जी, मौन व्रत की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, खासतौर पर जो शिव के भक्त होते हैं वो मौन रहने में ज़्यादा यकीन करते हैं, तो क्या मायने हैं मौन आराधना के या मौन व्रत के, और किस तरह से ये हमको बदल सकता है? देखिए, कहा जाता है कि शब्द जो है अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है ना, क्योंकि आप उस अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, है ना। तो दुनिया के लिए शब्द सबसे सशक्त माध्यम है, पर मौन कई कई गुना अधिक सशक्त है शब्द से। क्यों? क्योंकि मुक्त है शब्द के बोझ से। तो जब आप मौन होते हैं तो आप भगवान के ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि शब्द मौन होने से, जबान मौन होने से आपके विचार प्रक्रिया जो है वो 1000 टाइम्स बढ़ जाती है
है ना जी। मौन के बारे में हम इसलिए सहज रूप से बोल सकते हैं क्योंकि मैंने 35 वर्षों तक नवरात्रि 9-9 दिन मौन किया है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि क्या महसूस होता है। तो जब आप मौन होते हैं, खामोश होते हैं, तो आपकी केवल जुबान खामोश होती है, विचार प्रक्रिया बहुत 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 तेज दौड़ती है, है ना। और आप का शोधन होता है, किसका, देह का भी, मन का भी और सोचने का, थिंकिंग का भी। तो आप जागृत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा जागृत होते हैं, इसीलिए शिवजी क्योंकि एकदम चिंतन या प्रकाश है तो मौन आराधना से जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो किसी तरह की खास तरह की तैयारी हमें करनी पड़ती है इस मौन व्रत के लिए, कोई डेडिकेशन चाहिए होता है? अभ्यास, सिर्फ अभ्यास की मुझे नहीं बोलना है। और अगर दुनिया में इस तरीके की हाय तौबा दुनिया जो है आजकल तो भयंकर ही, तो उसमें अगर प्रैक्टिस करनी है तो 1 घंटा चुप रह के देखिए तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, तो एक तरह से गुस्सा आना भी कम हो जाता है अगर हम इसे रोकने की, बहुत बैलेंस हो जाते हैं आप मौन से, बहुत ज्यादा निर्णय क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाएगी, सोचने की तरीका बदल जाएगा आपका, हमारे समझने का भी, समझने का जी। निर्मला जी, यहाँ पर एक कॉलर ले लेंगे हम। हमारे पास महेंद्र जी जुड़ चुके हैं उदयपुर से, सवाल पूछना चाहते हैं। महेंद्र जी स्वागत है, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम, मैं पूरे महीने से श्रावण मास में शिव जी की पूजा कर रहा हूँ मैम। तो मैम मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी और मुझे गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगा मैम? मैं शादी तो डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। मैम मेरी 25 अगस्त 1986। छियासी, हाँ तो तुमने शिव आराधना कर ली ना, कबूल हो गई, बस अगले बरस तुम्हारी शादी हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब शादी के बाद है ना, अभी है उसमें 1.5-2 बरस, पर तुम्हारी शादी तो हो जाएगी अगले साल फरवरी मार्च तक हो जाएगा रिश्ता और उसके बाद शादी हो जाएगी। निर्मला जी, जैसे कि आपने कहा कि शिव की आराधना कर ली है, लेकिन शिव की आराधना शक्ति की आराधना के बिना भी अधूरी मानती है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि शिव भगवान कहते हैं कि शक्ति के बिना मैं शव हूँ। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था जी, कि जब सृष्टि का सृजन हुआ था महाशिवरात्रि के दिन, तो शिव शक्ति ने तांडव किया और हम असंख्य महाप्राण स्त्री पुरुष के रूप में प्रकट हुए, है ना। तो किसी भी चीज़ के जो सृजन होता है वो बिना शक्ति नहीं हो सकता है ना, मेल फीमेल दोनों का होना जरूरी है। और हम एज एन इंडिविजुअली भी जो फीमेल है उसमें भी पुरुष अंश होंगे और पुरुष है तो मेल अंश होंगे, तो इसलिए कहा जाता है कि शिव शक्ति की आराधना इकट्ठी करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी सृजन जो है, कोई भी समाज, आप देखिए उस चीज़ को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि कोई भी समाज अकेली स्त्री नहीं चला सकती और अकेला पुरुष नहीं चला सकता, इवन कोई काम भी, है ना, इसीलिए दोनों के बटे हुए हैं। तो शिव शक्ति की आराधना का कंबाइंड सृजन के लिए महत्व है। कोई भी सृजन, कोई भी आकार, कोई भी शेप, दोनों के समरसता से चलता है। तो शिव शक्ति ने ये संदेश दिया कि स्त्री पुरुष इक्वल होकर समरस समाज की स्थापना करें, इस करके वो जरूरी है। तो आजकल जैसे बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट वगैरह हो गए हैं कि हमें एम्पावर करो, तो एक तरह से बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी हमें कहीं ना कहीं सिखाई गई। यही सिखाता है, मतलब कि देखिए कि अकेला स्त्री कुछ नहीं कर सकता और अकेला पुरुष कुछ नहीं कर सकता। अगर जो स्त्री कहती कि मैं तो माँ हूँ, बहन हूँ और मैं प्रियतमा हूँ, तो बेचारा लड़का भी तो प्रियतम और पति और भाई सब होता ही है जी। तो संसार बैलेंस से ही चलता है, उस बैलेंस की हमें सृजन के मतलब ही यही है। निर्मला जी कॉलर लेंगे यहाँ पर प्रतापगढ़ से हमारे साथ। करुणा जी जुड़ चुकी हैं, सवाल पूछना चाहती हैं, सलूशन चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है करुणा जी, पूछिए सवाल। हाँ मैम, जय महादेव मैम। मेरी बहन ज्योति है उसका नाम, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/78। मैं मालूम नहीं, उसकी शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं आते। उसकी शादी हमको लगता है अभी भी बहुत मुश्किल है, तो आप उसको गौरी आराधना कराइए, और मुझे लगता है अभी भी टाइम है उसकी शादी में, काफ़ी लेट है उसकी शादी। और कुछ पूछना चाहती हैं आप करुणा जी? मतलब सोचिए कि 39 वर्ष में शायद उसका योग हो, और नहीं हो तो फिर 42वें वर्ष में उसकी शादी। निर्मला जी आप एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, शिव शक्ति की आराधना की चर्चा को आगे भी ले जाएंगे, जल्द लौटेंगे।